नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं कल की फिल्म के बारे में। कल की फिल्म का डे थ्री का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बताने वाला हूं हिंदी वर्जन का, और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज फिल्म छक्के छुड़ाने वाली है। वहां पे इंडिया टीम कोशिश करेगी साउथ अफ्रीका छक्के छुड़ाने की वर्ल्ड कप फाइनल में आज। तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर कल की सबके छक्के छुड़ाने वाली है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये मेरा नया शर्ट है जो आज पहली बार मैं पहन रहा हूं, और आई थिंक आपको अच्छा लग गया, मुझे अच्छा लग रहा है। चेकदार मैंने आई थिंक पहली बार पहना हूँ, या ज़्यादा पहना नहीं हूँ कभी। तो आपको कैसा लगा पहले तो ये बताइएगा। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि फिल्म का रिस्पांस किस तरह से आ रहा है। सेकेंड डे फिल्म पागलों की तरह फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं, थर्ड डे, और 72K टिकट्स बिक रहे हैं हर घंटे। यानी कि फर्स्ट डे सेकेंड डे की अगर बात करें इसी टाइम पे 55 से 60K के आसपास, 50 से 55K टिकट, यानी 50,000 टिकट बिक रहे हर घंटे में। आज 70 से 72K टिकट बिक रहे पिछले एक घंटे में इसी टाइम पर सुबह के, जिससे अपने आप में एक चीज समझ में आती है कि फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। फिल्म का पहला दिन ऑफिशियल हो चुका है, प्रोड्यूसर्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 22.50 करोड़ हो चुका है, यानी कि 22.50 करोड़। कल का कलेक्शन किसी भी हाल में इसका 21 करोड़ से नीचे नहीं आने वाला। उस लॉजिक को पढ़ के चले तो फिल्म का टोटल 43.50 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि तीसरा दिन कितना कलेक्शंस करेगी फिल्म। तो तीसरा दिन आपको बता दो कि आज फिल्म बवाल करने वाली, मैं फर्स्ट डे का प्रेडिक्शन याद होगा 28 से 30 करोड़, वो आज सच होने वाला है। लेकिन आप लोग कहेंगे यार आज तो इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? ऑफकोर्स इम्पैक्ट पड़ेगा इस फिल्म को, नो डाउट इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दिस व्हाट आई फील। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 करोड़ का तो हिंदी वर्जन में 1-2 करोड़ का, और इंडिया में कम से कम 7 से 8 करोड़ का फर्क पड़ सकता है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है, उससे कम नहीं उससे ज्यादा ही पड़ेगा। तो तीसरे दिन फिल्म फिर भी मुझे लगता है 28 से 30 करोड़ की कमाई कर सकती है। फिल्म का टोटल हो जाएगा 71.50 करोड़ से 73.50 करोड़, यानी कि 71 करोड़ 50 लाख से 73 करोड़ 50 लाख, यानी कि 3 दिन में प्रभास की फिल्म 70 करोड़ क्रॉस कर लेगी, और 4 दिन में प्रभास की फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी अकेले हिंदी मार्केट में। और साउथ की और बाकी जगह की बात करें, जैसे पहले दिन का 95 करोड़ आया था इंडिया का टोटल नेट कलेक्शंस का फर्स्ट डे का, सेकंड डे का कुछ 55 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, नेट की बात कर रहा हूं। यानी कि 2 दिन के बाद जो टोटल आने वाला है दोस्तों, वो कम से कम 150 करोड़ के ऊपर का नेट आने वाला है। तीसरे दिन का पढ़ के चले तो 220-230 करोड़ तक का नेट कलेक्शन होने वाला है इंडिया में। यानी कि कुल मिलाकर ये फिल्म बवाल करे इंडिया में, कितने स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी मार्केट में जरूर इसके पास 2,400-2,500 स्क्रीन्स होंगे। और कई अब नई चीज ये चालू हुई कि जो थिएटर्स है वहां पर वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप के सारे मैच दिखाए जाते हैं, तो वहां पर भी पब्लिक उसके लिए भी आएगी, वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए और फिल्म देखने के लिए भी आएगी। एनीवेज जो भी होगा अच्छा ही होगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए। आप ही क्या राय है जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए, फिलहाल कहते हैं लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।